स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 2000 रुपये आपके खाते में आना शुरू हो गए हैं। अगर आपके खाते में 2000 रुपये नहीं आए हैं तो आप अभी से ये ज़रूरी काम करवा लें, वरना आपको ये 2000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी और कब आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं आपके खाते में 2000 रुपये, और कौन सा एक काम है जो आपको करवा लेना चाहिए। पूरी वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब कुल 16 किस्तें किसानों को प्राप्त हो चुकी हैं। अब किसानों को इस समय पीएम किसान 17th इंस्टॉलमेंट यानी कि 17वीं किस्त का इंतजार है। अब तक इस योजना की कुल 16 किस्तें किसानों को प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका पैसा किसानों के बैंक खातों में प्राप्त हो चुका है। इस योजना की 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफ़र किया गया था। अब किसान इसकी 17वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस योजना की 17वीं किस्त भी आएगी, लेकिन उस किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को एक काम कराना जरूरी होगा। किसानों को पीएम किसान की ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि आप इसकी ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको अगली किस्त प्राप्त नहीं होगी। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेते हैं उन्हें पीएम किसान 17वीं किस्त का इंतजार है। उन्हें हम बता दें कि इस योजना की 16वीं किस्त को जारी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसकी 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। इस योजना की प्रत्येक किस्त 4 महीने के अंतराल में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। इस हिसाब से इसकी 17वीं किस्त जून जुलाई माह में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इस बार 17वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो किसान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी ईकेवाईसी को भी पूरा करा लेंगे। ईकेवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना हेतु ईकेवाईसी के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। अब आपको सामने एक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने पर आपको फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको उसमें ईकेवाईसी का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आधार नंबर मांगा जाएगा। अब आपको आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना है। ध्यान रहे, आपको वही नंबर दर्ज कराना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको दिए हुए बॉक्स में सबमिट कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपकी एक ईकेवाईसी पूरी हो जाएगी और आपको पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा। अगर आप अपना नाम पीएम किसान की सूची में देखना चाहते हैं तो पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की लाभार्थी सूची में अपना नाम तभी आएगा जब आप ऊपर दी गई प्रक्रिया की मदद से अपनी ईकेवाईसी पूरी कर लेंगे, तभी आपको अपना नाम इसकी सूची में देखने को मिलेगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने उस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको लाभार्थी सूची ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिस पेज पर आपको अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील, गाँव या शहर को चुनना है। सभी का चयन करने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अपने क्षेत्र की लाभार्थी सूची खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम और अपने दोस्तों भाइयों का किसानों का नाम देख सकते हैं। यदि आपका नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में हुआ तो आपको पीएम किसान की 17वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।